हेलो गाइस, तो टेक्निकल लवर्स क्या हाल चले दोस्तों। आपको भी अगर व्हाट्सअप का यहाँ पर कोड नहीं आ रहा है तो किस तरह से यहाँ पर हम लोग OTP लेके आने वाले, चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारे वीडियो में दोस्तों आप लोग ने देखा रहेगा कि सेटिंग में जाओ, फिर व्हाट्सअप डाटा क्लियर करो, मैसेज में जाके फिर नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं वो चेक करो, आपका सिम कार्ड किस पे लगा है, 1 पे 2 पे, किसके अंदर बैलेंस है या नहीं, या फिर उसका नोटिफिकेशन हमें मिल रहा है या नहीं वो सेटिंग सारी चेक करो, ये सब सारे वीडियो में बताते हैं। लेकिन मैं कुछ यहाँ पर अलग तरीका बताने वाला हूँ। ये सारे करके आपने तरीके थक गए हो, लेकिन फिर भी दोस्तों एक तरीका है यहाँ पर जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते। वो किस तरह से करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप को डायरेक्ट मैसेज हम लोग करने वाले हैं, तो किस तरह से करेंगे चलिए देखते। तो दोस्तों आपके मोबाइल में तो क्रोम ब्राउजर होगा ही, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से क्रोम ब्राउजर ओपन करके ले लेना है। चलिए मैं यहाँ से क्रोम ब्राउजर ओपन करके ले लेता हूँ। और दोस्तों गूगल में हमें सर्च करना है यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर व्हाट्सएप। सिंपल हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट फॉर व्हाट्सअप। देखिए यहाँ पर आ चुका है कॉन्टैक्ट फॉर व्हाट्सअप। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको दो लिंक यहाँ पर ओपन होंगे, एक कॉन्टैक्ट अस का और एक कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप। दोनों भी एक ही काम करता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस का काम देखिए, डायरेक्ट यहाँ पर हमें फॉर्म मिल जाता है, हमें यहाँ पर मैं आगे बताऊँगा किस तरह से यहाँ पर आपको टाइप करना है और किस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और देखिए दूसरा यहाँ पर लिंक है कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप। अगर दोनों में से कोई भी लिंक आपके मोबाइल में आ रही है तो देखिए दोस्तों इस तरह से कुछ पेज आता है। अगर कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप में आप लोग जाते तो व्हाट्सअप मैसेंजर सपोर्ट करके इस तरीके से यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का लिंक है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ तो दोस्तों ये फॉर्म है व्हाट्सअप वाले का, तो दोस्तों हमें इसे ही व्हाट्सअप को भेजना है और हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपका। यहाँ पर आपको दोस्तों ऊपर इंडिया सेलेक्ट रखना है, जैसे कि यहाँ पर और अदर कंट्री कोई होगी तो आपको इंडिया सेलेक्ट रखना है। और नीचे दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होता है। तो चलिए मैं मेरा यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ, ये दोस्तों मैंने मोबाइल नंबर इंटर कर दिया हूँ। और नीचे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ईमेल एड्रेस है, तो हमें क्या करना है, ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो भी ईमेल एड्रेस है वो इंटर करके ले लेना है। तो मैंने मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर किया हूँ। और देखिए यहाँ पर कन्फर्म ईमेल एड्रेस, तो यही आपको फिर से एक बार इंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कन्फर्म ईमेल एड्रेस ये वही वाला डाल देता हूँ जो मैंने ऊपर डाला है। तो चलिए यही मैंने इंटर कर दिया है। और सिंपल दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हाउ डू यू यूज़ व्हाट्सअप। तो एंड्रॉयड है, आईफोन है, कौन सा मोबाइल है आपका, तो मेरा तो एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। आईफोन होगा तो आईफोन पे सिलेक्ट कर देना, तो मेरा तो एंड्रॉयड है तो मैं एंड्रॉयड पे सिलेक्ट कर दूंगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यहाँ पर मैसेज भेजना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा डियर व्हाट्सअप टीम। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर टाइप करके ले लेना है। इतना टाइप करने में दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, जो कि अपना मोबाइल नंबर आपने जो भी इंटर किया है यहाँ पर वो अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना। तो चलिए यहाँ पर मैं माई नंबर इज, मैंने कॉपी करके रखा हुआ ऑलरेडी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और सिंपल दोस्तों ये होने के बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करके ले लेना है। तो दोस्तों फाइनली मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप को मैसेज चला गया है, व्हाट्सअप टीम को मैसेज चला गया है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगता है ये व्हाट्सअप को हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या फिर 1-2 घंटे में भी हो जाता है किसी किसी का। जो आपने मेल आईडी दिया है, मेल के ऊपर एक व्हाट्सअप आपको मेल करेगा, और यहाँ पर आपको मेल ओपन करके आपको अपना मैसेज जब भी आएगा व्हाट्सअप का, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम था, OTP नॉट रिसीव, आपके मोबाइल पर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो अभी आपको रिसीव हो जाएगा। और आप लोग तुरंत जाके दोस्तों व्हाट्सअप पर फिर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, OTP 101% आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हो, और अपना जो भी व्हाट्सअप का OTP प्रॉब्लम है वो रिसीव नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।